अरे किच-किच मत कर यार, कस्टमर को वो घर दिखा दे और सेटिंग कर डाल। मैं यहाँ कस्टमर का इंतजार कर रहा हूँ, मैं उन्हें घर दिखा देता हूँ फिर तुमसे बात करता हूँ। कस्टमर आ गया है, फोन रख। गुड मॉर्निंग सर। नमस्ते मैडम। यही वो घर है सर, एकदम जबरदस्त। डायलॉग चेंज कर, पिछले 3 दिनों से यही सुना रहा है तू। परेशान मत होइए सर, ये जो घर है ना सर, सच में शानदार है सर। ये अलग है सर, पहले वाले घर आपको पसंद नहीं आए, इसीलिए मैं आपको ये घर दिखाने लाया हूँ। सर ऐसे घर में रहने वाले का टेस्ट जबरदस्त होगा। क्यों, इसका डिजाइन अच्छा है क्या? एकदम मस्त है सर, ये घर एक चाइनीज आदमी ने बनवाया है। सर ये घर वो बड़ा इंटरेस्ट लेके बनवा रहा था, बेचारा पूरा होने से पहले ही चला गया। मर गया? शुभ शुभ बोलिए मैडम, वो चाइना चला गया। आइए घर दिखाता हूँ। चलो आइए सर। फुल्ली फर्निश्ड, फेंग शुई के हिसाब से बनवाया है। अरुण किचन बहुत अच्छा है, मुझे पसंद आया। ठीक है। नाइस व्यू, रेंट भी हमारे बजट में है। वाह, होम थिएटर भी है अरुण। और मास्टर बेडरूम कितना स्पेशियस है। अरुण लाइट एयर एम्बिएंट सब कुछ बहुत अच्छा है। तो तुम्हें अच्छा लगा घर? बहुत अच्छा लगा। और तुम्हें? मुझे तो बेडरूम अच्छा लगा। हे छोड़ो। मैं नहीं छोड़ने वाला। पूरे घर का सामान तुम अकेले लगाओगी? तो सोचा मदद कर दूं तुम्हारी। अच्छा ओके। हाँ, तो तुम जाकर खाना बनाओ और मैं नहा कर आती हूँ। डेकोरेशन क्यों? फर्स्ट नाइट। हमारी फर्स्ट नाइट बहुत बार हो चुकी है। इस घर में फर्स्ट नाइट है ना। hey, कहाँ जा रही हो? खाना लगाने। जरूरत नहीं है। छोड़ो ना। क्या हुआ अरुण? आज 2G नहीं 4G होगा। 4G क्या है? वो दोनों जो वहाँ कर रहे हैं वो सब हम यहाँ करेंगे। जाने दो। प्लीज प्लीज, ये मुझसे नहीं होगा। प्लीज भाव मत खाना। कल शॉपिंग ले चलोगे? ओके शॉपिंग फाइन, आई एम रेडी। अब क्या हुआ? शुरू हो गया। अरे रुको देखने तो। 1 मिनट। अब ये कैंची किस लिए? सब कुछ सेम टू सेम होना चाहिए ना। काटो ना। न्यू शर्ट काट दूं? कल शॉपिंग करने ही वाले हैं ना। इफेक्टिव नहीं है। हाँ? एक मिनट आया। Ah!
जी, अरे ये तो कुछ ज्यादा ही वाइल्ड हो गया, इसे बंद कर देता हूँ। 4G स्टाइल अपने बस की बात नहीं है, अपना 2G स्टाइल ही ठीक है। तुम्हें ये चाहिए था। मुझसे गलती हो गई, वो कैची दे देना। बस शॉपिंग कैंसिल मत करना। शॉपिंग करने जरूर जाएंगे, शॉपिंग तो हो कर ही रहेगी। हेलो, व्हाट? क्या हुआ अरुण? ड्राइवर ने कार का एक्सीडेंट कर दिया। तो टेंशन क्यों ले रहे हो, कार की इंश्योरेंस है ना? कल ही इंश्योरेंस खत्म हो गया है। Have a nice day. Hey, तुम इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? भूख लगी है? रुको। क्या काम है? आपके घर में कामवाली की जरूरत है क्या? जरूरत नहीं है। संध्या, ये क्या हुआ? कुछ नहीं, बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी। ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं, बस सेफ्टी के लिए लगाया है। क्या हुआ, तुम क्यों परेशान हो? आई लॉस्ट माई जॉब। वॉट? जब से इस घर में आए हैं कुछ अच्छा नहीं हो रहा। सुबह कार एक्सीडेंट हुआ, दोपहर में मैं बाथरूम में फिसल गई, शाम तक तुम्हारी जॉब चली गई, इतने सारे बैड साइंस। संध्या, ये सब कोइंसिडेंस है, तुम ज्यादा मत सोचो। अरुण, मुझे लगता है हमें यह घर छोड़ देना चाहिए और कहीं और जाना चाहिए। लेकिन तुम्हें तो यह घर पसंद आया था। पसंद आया था, लेकिन इतना कुछ बुरा हो रहा है, यह घर नहीं चाहिए। ओके, कल ब्रोकर से दूसरे घर की बात करता हूँ। चलो मूड को अच्छा करते हैं, कहीं बाहर निकलते हैं। चलो रेडी हो जाओ। 5 मिनट्स। Thank you.
संध्या 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 क्या हुआ? संध्या 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 उठो ना, संध्या 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 उठो ना संध्या। How is she, doctor? Yes, she's perfectly all right. She's pregnant now. What? हाँ, आप पापा बनने वाले हैं। चलते हैं डॉक्टर? हाँ चलते हैं। मैं ये कुछ दवाइयाँ लिखकर दे रही हूँ, लेकिन चेकअप के लिए इन्हें क्लिनिक ले आइएगा। अब चल सकते हैं ना? अब इनका ज्यादा ख्याल रखना होगा आपको। हाँ। ओके डॉक्टर, थैंक यू। ठीक से चाहिए, गेट बंद करना। हैप्पी नाउ? डबल हैप्पी। डबल हैप्पी मतलब चेकअप से पहले ही पता चल गया ट्विंस होने वाले? ट्विंस का तो पता नहीं, पर ये खबर कमाल की है। वाओ, मेरा ड्रीम जॉब मुझे मिल गया। अब मैं पापा बनने वाला हूँ। एंड आई हैव लवली वाइफ। I'm really very happy. ये हुआ इस घर का पहला good sign. लेकिन तुम्हें तो ये घर छोड़ना था, क्या अभी छोड़ना है? घर छोड़ना है? अब तुम इस घर से नहीं जा सकते। तुम डर गए ना? ये तो बेल की आवाज थी। संध्या, मैं आवाज से नहीं तुम्हारे एक्सप्रेशन से डर गया था। पकड़ो इसे, मैं देखता हूँ कौन है। यहाँ तो कोई भी नहीं है। कॉलोनी का कोई बच्चा होगा। कॉलोनी के बच्चे इतने रात में भी खेलते हैं क्या? तो फिर कोई भूत होगा। अरुण, पहले ये बेल बदलो। ये बेल जब भी बजती है ना, डर के मारे जान निकल जाती है मेरी। जो हुकुम, मैं अपनी बीवी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अभी निकालता हूँ। Have a nice day. हाँ, एक और बात, कार एकदम ठीक है और इंश्योरेंस भी हो गया है। देखो मेरा ऑफिस आ गया है, मैं बाद में बात करता हूँ। ओके, बाय संध्या। मे आई कम इन सर? या। हाय अर्न। हाय। वेलकम टू द कंपनी। थैंक यू सर। वी हैव हर्ड लॉट अबाउट यू एंड योर वर्क आल्सो। और हमारी तुमसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। आई विल डू माय बेस्ट सर। तुम कल इवनिंग से ही ज्वाइन कर लो। कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, नो इश्यूज। ओके देन, तुम कल इवनिंग से ज्वाइन हो जाओ। श्योर, थैंक यू। हाय अरुण। हाय यार। कांग्रेट्स यार, आखिर तुम्हें तुम्हारा ड्रीम जॉब मिल ही गया। अरे एक्चुअली मुझे एक फेवर चाहिए था। बोलना। मेरी नई नई जॉब है और पहले हफ्ते ही नाइट शिफ्ट लग गई है, और संध्या को रात में अकेले डर लगता है, ऊपर से घर भी नया है, इसलिए थोड़ी चिंता हो रही है। इफ यू डोंट माइंड, क्या तुम अपनी वाइफ को एक हफ्ते के लिए मेरे घर में रहने के लिए भेज सकते हो? तुम तो जानते ही हो कि बच्चों की एग्जाम्स चल रही है, ऊपर से मेरी वाइफ आईएएस की तैयारी कर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आ पाएगी। अच्छा एक काम करते हैं, मेरी साली है ना। कौन? श्रुति। उसे ले जाओ, उसके एग्जाम्स अभी अभी खत्म हुए हैं। श्योर, थैंक्स यार। थैंक्स तो मुझे तुझसे कहना चाहिए, जो तू उसे ले जा रहा है। ठीक है, मैं शाम में उसे ले जाऊंगा। ओके, बाय। बाय यार, थैंक्स अगेन। सर एक कार आ रही है। रोक दो। रुको रुको। आर से रुक दिखाओ। सब ठीक है सर। नाम क्या है? श्रुति। बाहर निकल। बाहर क्यों? टेररिज्म, टेररिस्ट को खत्म करने के लिए। बम छुपा होगा तो चेक करना पड़ेगा। सर कमिश्नर साहब का फोन है। सर सर, एवरीथिंग अंडर कंट्रोल सर। चलो जाओ अभी। सर मैं संभाल लूंगा, नो प्रॉब्लम। थैंक यू सर।
कार कहाँ गई? चेकिंग पूरी हो गई सर। श्रुति? कौन श्रुति? कार नंबर तुमने नोट किया कि नहीं? कार नंबर किस लिए सर? श्रुति, तुम्हारा घर बहुत सुंदर है। थैंक यू। ये संध्या, राइट? या, हाय। ये श्रुति है, अपने किशोर की साली। ओह हाय। अरुण, शी इज ब्यूटीफुल। आई नो। थैंक यू। यू नो संध्या, यू वेरी लकी। मैं चाहती थी कि मेरी शादी अरुण से हो। एग्जाम के बाद मैं इसे प्रपोज करने ही वाली थी। माय बैड लक, मैंने मौका मिस कर दिया। संध्या, वो मजाक कर रही है, तुम कॉफी बनाओ ना। हाँ। हे, रुको संध्या, अरुण हमेशा तुम्हारे हाथ की कॉफी पीता होगा ना? हाँ। आज मेरे हाथ की पिएगा। हाँ, क्यों नहीं? किचन कहाँ है? उस तरफ। ओके। अरुण, ये लड़की कौन है? कहा ना, किशोर की साली है। जानती हूँ, पर उसे यहाँ क्यों लाया? संध्या, कॉफी रेड बॉक्स में है ना? हाँ, वही है। मेरे जॉब का पहला दिन है और पहले दिन नाइट शिफ्ट लगी है। तुम्हें अकेले ना रहना पड़े इसलिए उसे यहाँ लिया। सिर्फ एक हफ्ते का सवाल है। संध्या, ये व्हाइट बॉक्स शुगर का है ना? हाँ। एक हफ्ता? नो वे। मैं लाइट बंद करके सो जाया करूंगी। दिन में जब तुम ऑफिस जाते हो तब मैं अकेले ही रहती हूँ ना, मुझे आदत हो चुकी है। इसे वापस भेज दो। संध्या, वो दिल की बहुत अच्छी है, बस थोड़ी मजाक ही है। थैंक यू। ये तुम्हारे लिए नहीं है, मेरे लिए है। वैसे सच कहूं तो संध्या, कॉफी तुम्हें मेरे लिए बनानी चाहिए थी। एक बात कहूं संध्या, प्रेगनेंसी के वक्त तुम्हें कॉफी नहीं पीनी चाहिए। हाँ, ये बात तो सही है। अरुण, कॉफी कैसी बनी है? हाँ, बहुत अच्छी बनी है। बिना पिए तुम्हें कैसे पता चला? अरुण के चेहरे से पता चला कि कॉफी बहुत अच्छी बनी। तुम इसे अपना कमरा दिखाओ ना। हाँ, श्रुति, कम। श्रुति, इस तरफ। मुझे ग्राउंड फ्लोर वाला बेडरूम नहीं चाहिए, फर्स्ट फ्लोर वाला रेड वाला बेडरूम चाहिए। इसने तुम्हें पहले कॉफी पीने नहीं दी क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो। देखो, तुम्हारे लिए सीढ़ियां भी ठीक नहीं है, इसलिए तुम यहाँ नीचे शिफ्ट हो जाओ। देखा तुमने, कितना ख्याल रखती है तुम्हारा, है ना? मेरा ये मतलब नहीं था, तुमने ही तो कहा था कि संध्या का बेडरूम सबसे अच्छा है। आई ऑलवेज प्रेफर योर टेस्ट, राइट? मैंने इसे इस तरह से नहीं कहा, मेरी बात तो सुनो। इंडियाना हॉरर, आई लव इट। कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठ नरशार्दूल। संध्या सुनो तो, संध्या, मुझे लगा तुम साड़ी में हो। वो मेरी साड़ी पहनेगी तो क्या वो मैं बन जाएगी? पीछे से मैं कैसे पहचानूंगा ना? उसका बैक शेप मेरी तरह है। पर तुमने उसे अपनी साड़ी दी ही क्यों? उसने मांगी तो मैंने दे दी, गलत किया क्या? उसी से तो कंफ्यूजन क्रिएट हुआ ना मेरा। शट अप संध्या, प्लीज ना, गो टू हेल। उसकी तरह तैयार होने से नहीं चलेगा, चाल भी वैसी होनी चाहिए। कमिंग बेबी।
देखती हूँ वो मेरे पास आता है या उसके पास जाता है। आज इतनी हॉट लग रही हो कि ऑफिस जाने का मन ही नहीं करा। संध्या का ख्याल रखना, ठीक है? एक वो है जो अरुण को प्रपोज करने वाली थी और अरुण है उसे मेरा ख्याल रखने को कहता है और किस भी करता है। अरुण उसे मेरा ख्याल रखने के लिए लाया है या फिर ये अरुण को मुझसे छीनने आई है। मेरे सामने इन दोनों का ये सब चल रहा है और मैं नहीं रहूंगी तो सोच के ही मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हेलो, तुम अभी तक नाराज हो? मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं नहीं चाहता कि मेरी संध्या श्रुति बनने की कोशिश करें। मैं उसी लड़के से प्यार करता हूँ जिससे मेरी शादी हुई है और जो मुझसे प्यार करती है। संध्या मेरी है और मैं संध्या का हूँ। तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मैं उसे यहाँ लेकर आया हूँ। तुम्हें श्रुति को देखकर इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है। और श्रुति एक अच्छी लड़की है। चलो अपना ख्याल रखना। लव यू, बाय। अरुण तो अच्छा है पर उस लड़की की नीयत अच्छी नहीं है। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे ये लड़की खुद यहाँ से भाग जाए। 10 सालों तक मानस सरोवर में ध्यान साधना करने वाले महाज्ञानी महापुरुष सोमनाथ बाबा सिद्धि प्राप्त करके कल ही अपने आश्रम वापस आए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। विश्व के सारे लोग सुखी रहे यही मेरी तपश्चर्या का उद्देश्य था और लोगों का दुख हरने और उनकी मदद करने के लिए तो मैं आया हूँ। बाबा ये बताइए कि लोग आपसे कैसे मिल सकते हैं? मुझसे मिलने के कई माध्यम हैं, जैसे कि आप मुझसे फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर पर या कॉल भी कर सकते हैं। बाबा आप टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे? टेक्नोलॉजी का निर्माण ईश्वर ने ही किया है, इंसान इसे अब समझने लगा है। ध्वनि तरंगों के जरिए बात करना, यूनिवर्स में सैटेलाइट्स छोड़ना, ये 3G 4G का निर्माण ईश्वर ने बहुत पहले ही कर दिया था जिसका इस्तेमाल इंसान अब करने लगा है। इंसान अपने आप को कितना भी बुद्धिमान समझता हो लेकिन वो ईश्वर के आगे कुछ भी नहीं है, एक तिनका भर भी नहीं। नमस्कार, अगर आपकी कोई समस्या हो तो कृपया संपर्क करें। खुशी की बात यह है कि बाबा 2 दिनों के लिए आपके शहर आ रहे हैं और आपका इंतजार खत्म हो रहा है। हाँ बोलो श्रुति। अरुण तुम जल्दी से घर आ जाओ। हे क्या हुआ, तुम दोनों के बीच में झगड़ा हुआ क्या? मैं समझ नहीं आ रहा, अभी के अभी घर आ जाओ प्लीज। 2 घंटों में मेरी शिफ्ट वैसे भी खत्म होने वाली है। तुम जल्दी से यहाँ आ जाओ। हेलो हेलो, क्या हुआ श्रुति? शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, पहले शांत हो जाओ फिर बताओ मुझे। किचन का टैप अपने आप खुल गया। हाँ, हाँ, ओके। तो मैंने बंद कर दिया, फिर बिजली भी चली गई, मैंने मोमबत्ती जलाई और ऊपर के कमरे में गई तो अचानक मेरी परछाई ही गायब हो गई। परछाई कैसे गायब हो सकती है अरुण? श्रुति किचन का टैप खराब हो चुका है, उसे रिपेयर करना है, टैप को चेंज करना है, कल प्लम्बर आकर ठीक कर देगा। उसमें लेकिन परछाई का क्या? श्रुति आई ओके? कुछ देर पहले इसने मुझे फोन किया था। हाँ। ये बहुत डरी हुई थी, इसे ले जाओ। ठीक है ले जाओ, गो गो गो, आओ चलो। अरुण जितनी जल्दी हो सके तुम ये घर छोड़ दो।
ही बुझ गए। मॉर्निंग बेबी। श्रुति? श्रुति चली गई। चली गई? किशोर के वाइफ की तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए वो सुबह ही चली गई। अच्छा, और इतनी सुबह से बात, तुम कहाँ जा रहे हो? श्रुति घर की चाबियाँ यहीं भूल गई, तो किशोर को चाबियाँ वापस देने जा रहा हूँ, अभी आऊंगा। चाबी भूल गई? बाहर तो कोई भी नहीं है। कॉलोनी के बच्चों ने शरारत की होगी। तुमने अभी अभी बेल की आवाज सुनी थी क्या? हाँ सुनी थी, लेकिन कल ही तो मैंने ये बेल निकाल कर रख दी थी ना। वो हर कोई आकर दरवाजा ठकठकाता है, इससे तो अच्छी वहाँ से की ही आवाज थी, तो श्रुति ने वापस लगा दी। लेकिन जब मैं बेल बजा रहा था तब आवाज क्यों नहीं आई? उस वक्त बिजली चली गई थी तो आवाज कैसे आएगी। अरुण, आर यू रियली ओके? या आई एम ओके, अपना ख्याल रखना। दीपक, देखो अरुण, तुम खामखा परेशान हो रहे हो, ये सब कॉमन है। क्या कॉमन है यार, कैंडल 10 बार जलाने पर नहीं चलती, फिर अपने आप जलने लगती है। ठीक है, मैं तुम्हें समझाता हूँ। तुमने भी ये बहुत बार देखा होगा, जादूगर फायर क्रिएट करते हैं। जानते हो वो ये कैसे करते हैं? उन्हें जिस जगह पर ये खेल दिखाना होता है ना, वहाँ पर वो अमोनिया छिड़क देते हैं, फिर वो अपने हाथों के जरिए जिंक रिलीज करते हैं। अमोनिया और जिंक में रिएक्शन होता है और अपने आप आग जलती है। तुम्हारे घर में ऐसा रिएक्शन हुआ होगा। हाँ यार, हम घर में जादू जादू खेलते हैं ना।
देखो यार, तुम्हारे घर के आसपास कई सारी फैक्ट्रीज हैं और मेरे ख्याल से ये रिएक्शन उन्हीं फैक्ट्रीज के केमिकल की वजह से हुआ होगा। घर में केमिकल रिएक्शन, ये कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता, हम बचपन में आसपास के भूतों और चुड़ैलों की कहानियां सुनते थे ना, वो भी इसी रिएक्शन की वजह से होती थी। अच्छा ये बता, जब वो मोमबत्ती जली थी तब तुम्हारे घर की खिड़कियां खुली थी या बंद थी? खुली थी। घर पर केमिकल गैस हो तो खिड़की से आने वाली हवा से आग जल सकती है। इसका मतलब मेरे घर में कोई बुरी आत्मा नहीं है। हाँ तो अरुण, ये वो डिवाइसेस हैं जिनसे हमें डार्क एनर्जी का पता चलता है। मेरा मतलब है कि किसी जगह पर बुरी आत्मा है या नहीं इसका पता चलता है। ये है पोलराइज्ड कैमरा, इसे हमारी ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है। इंसान की आंखों को जो नहीं दिखाई देती ऐसी चीजें इसमें कैप्चर होती हैं। ये है वॉइस रिकॉर्डर, इंसान के कान जो माइन्यूट साउंड्स नहीं सुन सकते वो साउंड्स इसमें रिकॉर्ड होती हैं। और ये है सबसे इंपॉर्टेंट डिवाइस, जहां कहीं भी डार्क एनर्जी होती है टेम्परेचर अपने आप फ्लक्चुएट होता रहता है। ये वहां के टेम्परेचर वेरिएशन को डिटेक्ट करता है जहां डार्क एनर्जी एग्जिस्ट करती है। अगर तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है तो ब्लू लाइट जल जाएगी, और अगर वो तुम्हारे आसपास है तो तुरंत रेड लाइट जल जाएगी। इसे ले जाओ और चेक करो। तुम नहीं आओगे? अगर तुम्हारे घर में डार्क एनर्जी है तो सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी पूरी टीम आ जाएगी। ठीक है अरुण, मैं तुम्हें ये इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि तुम्हारे घर में डार्क एनर्जी है, बल्कि इसलिए दे रहा हूँ ताकि तुम्हें सच्चाई का अच्छी तरह पता चल जाए। थैंक यू। Yeah.
हेलो दीपक। अरुण थैंक्स यार। हाँ तो बताओ तुम्हारे घर की चेकिंग हो गई? हाँ पूरे घर की चेकिंग कर ली। रेड लाइट तो क्या, ब्लू लाइट भी नहीं जली यार। मैंने कहा था ना भाई तुम्हारे घर पर बुरी आत्मा नहीं, शहर का पोल्यूशन भरा है। सच्चे दोस्त थैंक्स यार, अब मैं थोड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। संध्या को ये घर बहुत पसंद है, समझ नहीं आ रहा था उसे इस बारे में कैसे बताऊं। डोंट वरी यार, चलो ठीक है अब जाओ सो जाओ, गुड नाइट। ओके थैंक यू बाय। अच्छा अरुण बोल ना, डिवाइस ऑन है या ऑफ है वो सारा चेक करना। ऑफ है, जरा एक बार ऑन करके चेक करो। अरुण क्या हुआ, क्या हुआ अरुण? रेड लाइट, तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है अरुण। संध्या को लेकर वहां से भाग जाओ। जल्दी चलो, चलो क्या हुआ कुछ बताओगे? चलो तुम चलो तो। अरुण क्या? दो लोग नहीं करेंगे। अरुण हुआ क्या है? अरुण चलो जल्दी चलो। अरुण what's wrong? अरुण अरुण listen to me। अरुण ऑटो 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 रुको 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 रुको, चलो बैठो 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 बैठो। हुआ क्या है अरुण? अरुण 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 पहले ये बता हुआ क्या है? संध्या हमारे घर में बुरी आत्मा है। अगर तुम्हारे घर में बुरी आत्मा है तो तुम यहां क्या कर रहे हो? संध्या 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 फोन उठाओ। पिकअप 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 प्लीज पिकअप प्लीज प्लीज पिकअप। कल रात हम ढाबा गए थे, वहां से तुम गायब हो गए। कहां गायब हो गए थे? सुनो सुनो, कल रात हम ढाबा गए थे, वहां से तुम गायब हो गए। कहां गायब हो गए? हम ढाबा कब गए थे?
कल पूरी रात तो हम घर पर ही थे। क्या हुआ है अरुण, तुम्हें ये चोट कैसे कल लगी? हम ढाबा गए थे कल, ढाबा आधी रात को। कौन सा ढाबा? तुमने कोई सपना देखा होगा। चलो मैं तुम्हें फर्स्ट एड कर देती हूँ। हे, रात को मैंने कॉल किया था। लेकिन अभी तुम कहाँ हो? घर पर। मैंने तुम्हें संध्या को ले जाकर घर छोड़ने को कहा था ना। मतलब रात को तुमने कॉल किया था। रेड लाइट जलने की वजह से मैंने तुम्हें घर छोड़कर जाने के लिए कहा था। बाद में कितने फोन किए तुमने, उठाए नहीं। कौन सा ढाबा? तुमने कोई सपना देखा होगा। अरुण, अरुण, मैं यही हूँ। सबसे पहले तू ये बता, अब ये डिवाइस ऑन है लेकिन फिर भी लाइट क्यों नहीं चल रही? जनरली दिन के उजाले में नेगेटिव एनर्जी की पावर कम हो जाती है, इसी वजह से वो डिटेक्ट नहीं हो पा रही। एनीवे मैं तुम्हारे घर पर आ रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके। संध्या, तुमसे कुछ कहना है। कहो। इस घर पर बुरी आत्मा का साया है। बुरी आत्मा? हाँ। तुम दोनों के होते हुए यहाँ बुरी आत्मा कैसे आ सकती है? ये क्या है और ये कर क्या रहे हो? इस घर पर सच में बुरी आत्मा का साया है संध्या। ये मैं हूँ यार, तेरा दोस्त सूर्या। हे, अब तू यहाँ क्यों आया? मैं यहाँ छुट्टियां मनाने आया हूँ, वीकेंड है ना, इसलिए दिमाग पे जोर लगाया तो तेरा नाम याद आ गया, इसलिए यहाँ चला आया। कैसी हो संध्या, ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब ये स्कार्फ क्यों? पहले बांधता था ताकि रंग काला ना हो जाए, और अब बीवी की नजरों से छुपने के लिए बांधता हूँ। ओ बाय द वे, कोमल ने ये दिया है, लगता है बर्थडे ड्रेस है। कल तुम्हारा बर्थडे है ना, एडवांस हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच। और ये देखो, ये भालू मैं तुम्हारे होने वाले छोटे अरुण के लिए लाया हूँ। अब तुम्हारे पास दो दो बच्चे होंगे, एक छोटा और एक बड़ा। तुम इतने सीरियस क्यों हो गए? और सिर पे ये चोट कैसी, कोई टेंशन है क्या? हमारे घर में बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा? तुम अभी भी उतने डरपोक हो क्या? संध्या, मैं तुम्हें एक किस्सा सुनाता हूँ। हम एक बार भोजपुरी फिल्म देखने गए थे, हॉरर फिल्म थी, नाम था बंगी ना की तोड़ी ना की बुक्की करी ना की। जैसे ही डरावना सीन शुरू हो गया, ये जाकर कोने में छुप गया, इसकी हालत पतली हो गई। मुंह बंद कर, इस तरह नहीं। इस घर में सच में बुरी आत्मा है। बुरी आत्मा है? और इस बात का तुम्हें कैसे पता चला? अरे इस हीट डिटेक्शन सेंसर डिवाइस से। हाँ हाँ, इसे बकेट में डालो तो बकेट का पानी गर्म होता है, चाइना बाजार में 100 रुपए में बिकता है। हाँ ठीक है ठीक है, तुम बताओ। अगर बुरी आत्मा दूर हो तो ब्लू लाइट जलेगी, पास हो तो रेड लाइट जलेगी, और अपने अंदर हो तो तोड़ दूंगा ये डिब्बा, तेरा मुंह तोड़ दूंगा। यार लेकिन ये डिब्बा तुम्हें दिया किसने? उस दीपक ने ना, मैं जानता था। पता नहीं क्यों दीपक को हर कोई इतना भाव देता है, वो थर्मामीटर और ट्रांसमीटर में फर्क नहीं समझता। घर में भूत हो तो लाइट थरथराने लगती है, धरती कांपने लगती है, मछलियां भी तड़प तड़प कर मर जाती है, ये सब होता है समझे। अरे तुझे यकीन हो ना हो, इस घर में बुरी आत्मा है। संध्या, हमें जल्द से जल्द ये घर छोड़ना होगा। अभी के अभी हमें दूसरा घर कहाँ से मिलेगा? तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकते हो, मुझे ये घर अच्छा लगा, मैं अपना वीकेंड यहीं पर मनाऊंगा। अरे यार समझने की कोशिश करो। नो नो अरुण, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई हैं, प्लीज ले आओगे तुम? अरे इसकी दवाइयाँ खत्म हो गई है और तुम्हें भूत की पड़ी है? सच बताओ तुम्हें इसका ख्याल है या नहीं? अगर है तो दवाइयाँ लेकर आओ। अब ये मत कहना कि तुम भूत की वजह से मेडिकल शॉप नहीं जा रहे हो। जाओ। अरे रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट। ये तो रेड लाइट के नाम से डरता है। इसका ख्याल रखना। रखता हूँ। संध्या बाय बाय। भूत ढूंढने वाला डिवाइस, मुझे तो ये भूत ढूंढने वाला डिवाइस कम और ड्रंक एंड ड्राइव वाला डिवाइस ज्यादा लग रहा है। चल बता भूत कहाँ है? यहाँ है, यहाँ है, बोल यहाँ है, या फिर मेरे जेब में बैठा है, या फिर मेरे नीचे बैठा है, या फिर यहाँ मैं हूँ। सूर्या, तुम्हारी सूरत कितनी कमाल की है, और तुम खुद की ही शक्ल देखकर डर गए तो सोचो भूत का क्या होगा। अरुण के कहने के मुताबिक इस घर में सच में भूत हो ना तो मैं उसको दौड़ा दौड़ा कर मारूंगा, दौड़ा दौड़ा कर। यहाँ टीवी रिमोट होना चाहिए था। संध्या, टीवी रिमोट। डर्टी पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल फाइट्स, जहां भी पॉलिटिक्स हो फाइट तो होनी ही है। सारे पॉलिटिशियंस को एक साथ बजरंगी भाईजान फिल्म दिखानी चाहिए। इससे तो अच्छा है कि मैं जुम्बा डांस देख रहा हूँ। नाम लिया तो जुम्बा हाजिर, क्रेजी टेक्नोलॉजी। संध्या मुझे पानी पिला दो। अगर बुरी आत्मा दूर हो तो ब्लू लाइट चलेगी, पास हो तो रेड लाइट चलेगी। हे भगवान, संध्या में भूत है।
मुझे भूख लगी है। तुम्हें नॉनवेज बनाना आता है? हाँ आता है, बिल्कुल आता है। मुझे कैसे नहीं आ सकता संध्या, मुझे तो सब आता है। जुम्बा चिकन, पेपर चिकन, मैं अभी बाजार जाकर तुम्हारे लिए चिकन ले आता हूँ। एक बार चले गए तो वापस आओगे? मैं क्यों नहीं आऊंगा संध्या, वैसे भी मीट के बगैर नॉनवेज कैसे बनेगा। घर में मीट है। ये अरुण भी ना हर चीज का स्टॉक बनाकर रखता है। कहाँ पर है? ओ ये रहा, मैं समझ गया संध्या, आई गॉट इट। इसी के बारे में बोल रही हो ना? ये बड़ा ही टेस्टी होता है, इसे मंचाओ सूप में डाल दो तो सूप एकदम कमाल का बनता है, am I right? इसे तुम खाओ, मेरे लिए तुम ये फिश बनाओ। ये फिश तो तुम्हारे पेट से ही नहीं कैसे खा सकती हो संध्या, तुम्हें तो पाप लग, भूत है तो कुछ भी खा सकती है। अब एक बात बताओ संध्या, तुम्हें मछली में कुछ और पसंद नहीं है क्या, जैसे बोम्बिल, पापलेट, प्रॉन्स एटसेट्रा? तुमने वहाँ इशारा किया मतलब वहाँ जरूर कुछ है। तुम करेक्ट हो, यू आर करेक्ट। पकड़ता हूँ, अभी पकड़ता हूँ, हाँ हाथ में आ गई, अभी बनाता हूँ। संध्या स्पाइसी है मीडियम? कुछ भी नहीं, मैं कच्चा खाऊंगी। कच्चा, कच्चा खाएगी? ये सच में भूत है, मेरा वीकेंड हॉलिडे हॉरर हॉलिडे बन चुका है। सूर्या बेटा भाग ले यहाँ से। भागने के बारे में सोचना भी मत। अरे नहीं संध्या, मैं भाग नहीं रहा था, मैं तो बस ये देख रहा था कि यहाँ की सेफ्टी कितनी सेफ है। मेरी फिश कहाँ है? दिखाई नहीं देता, ट्रे में है। तुम मेरी फिश खा रहे ना? मैंने नहीं खाई, सच में कसम से। मेरी फिश खाकर मुझसे ही झूठ बोल रहे हो? नहीं संध्या, कसम से। बेवकूफ। संध्या, अरुण बचाओ। चिपक क्यों रहे तू? तुम सही कह रहे थे, यहाँ भूत का साया है, चलो निकलो यहाँ से। अरे रुक, संध्या को लेकर आ रहा हूँ। मैं भूत से भाग रहा हूँ और तू भूत को साथ में ले रहा है, क्या मतलब है तुम्हारा? अरे संध्या ही भूत है। अरे यार, पहले तो संध्या ने मुझे मारा और अब ये भी मुझे मार रहा है, क्या करूं मैं? साफ साफ बता क्या हुआ? अरे यार, जब तुम यहाँ से गए तो संध्या ने जबरदस्ती मुझे फिश टैंक से फिश निकालने को कहा और वो कच्चा खा गई। खुद ही देख लो, बस चार ही मछलियाँ बची है। जरा देख, पांच ही है। कमाल है, ये कैसे हो सकता है? कुछ और भी दिखाता हूँ, आओ आओ ना दिखाता हूँ, आओ देखो देखो क्या है। रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, रेड लाइट, नहीं है रेड लाइट, नहीं है। वो देखो लाइट फ्लिक हो रही है, फ्लिक हो रही है, फ्लिक नहीं, फ्लिक हो रही है। अरे यार, अब कैसे साबित करूँ कि संध्या में भूत है? एक मिनट, टीवी 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 को देखो, टीवी ऑन हो जा। देखा ना, मैं भी सोच रहा था कि ऐसे कैसे ऑन हो सकता है। अब आगे देखो, जूम टीवी, जुम्बा गर्ल्स का डांस। हाँ देखो, मैं भी यही सोच रहा था कि जुम्बा का नाम लिया और जुम्बा हाजिर कैसे हो गया। अरे मैं सच कह रहा हूँ अरुण, इन सब के पीछे संध्या ही है। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो, ये सब संध्या ही कर रही है। तुम्हें कैसे पता? सूर्या, तुम्हें और भी कुछ बताना है? मुझे अपनी पैंट चेंज करनी है। इसकी पैंट गिली हो गई, ये सब क्या खेल है, बस भी करो ना। सूर्या तो सच में बहुत डरपोक है, इसे डराने में मजा आ गया। यार तुम्हें मेरी एक्टिंग सच्ची लगी ना? संध्या को लग रहा था कि वो मुझे डरा रही है और मैंने भी डरने का नाटक किया, अप्रैल फूल। मेरी एक्टिंग कैसी थी? एकदम बकवास। बाहर ब्रोकर आया, मैं मिलकर आता हूँ, दवाइयाँ अंदर रखिए, ले लेना। मैं भी मिलकर आता हूँ, बताता हूँ उसका घर कैसा है। हाँ बाय 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 बाय। अरुण, 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 क्या करूँ? बाहर जाना है? संध्या, तुमने पहले जो किया वो एक्टिंग थी ना? हाँ, तुम्हारे दोस्त के सामने मैंने एक्टिंग ही की थी। भूख लगी है, फिश खाना है। समझ गया, मैं अभी बनाता हूँ संध्या। यही सही टाइम है अरुण को यकीन दिलाने का, अभी उसे कॉल करता हूँ। हेलो, मेरी बात सुनो, बीच में मत बोलना। अरे संध्या ही भूत है, यकीन नहीं होता तो खिड़की से देख लो, एक्वेरियम में सिर्फ 3 मछलियां हैं और तुम्हारा वो जो डिब्बा है ना उसमें रेड लाइट अभी भी जल रही है। संध्या पागलों की तरह टेडी बेयर से बातें कर रही है, अगर यकीन ना हो तो। हो गया, या और भी कुछ बोलना है? वो मैं, ये फोन, वो फोन कैसे? वो यहीं भूल गया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब मैं नहीं बचूंगा। मेरी फिश कहाँ है? लास्ट टाइम मैंने कहा कि नहीं खाई तो इसने मुझे मारा था, इस बार उल्टा बोलता हूँ। संध्या बात यह है, मैं मछली खा गया। बेवकूफ। हाय संध्या। हाय। अरे सूर्या, व्हाट अ सरप्राइज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरुण ने कहा था कि यहाँ बुरी आत्मा है, उसकी छानबीन करने आया हूँ। छानबीन करने आए हो? जो भी हो, मुझे कंपनी मिलेगी। वैसे अरुण कहाँ है? वो तो बाहर गया है, तुम बुरी आत्मा को ढूंढोगे कैसे? ये है साउंड रिकॉर्डर। हाँ। ये बुरी आत्माओं के साउंड को रिकॉर्ड करता है। पोलराइज्ड कैमरा। अच्छा। इससे आत्मा
आत्माओं को देख सकते हैं। हाँ। और ये है, ये मुझे पता है, भूत दूर हो तो ब्लू लाइट, पास हो तो रेड लाइट। ये तुम्हें कैसे पता? एक्सपीरियंस है। मुझे कब मिलेगा ऐसा एक्सपीरियंस? संध्या को देख लो, फुल एक्सपीरियंस मिल जाएगा। संध्या को देखने से कैसे एक्सपीरियंस मिल जाएगा? अरे बुझी बत्ती, संध्या ही भूत है। क्या? हाँ माँ कसम, ये पोलराइज्ड कैमरा लो और देखो उसे। दिखा क्या? दिखा तुम्हें? अरे मुझे क्यों देख रहे हो यार? संध्या नॉर्मल है और तुम मुझसे भूत कह रहे हो? लगता है तुझमें भूत घुस गया है। क्या कह रहा है? लगता है कैमरा काम नहीं कर रहा है। लेट मी चेक। तुमने देखा मुझे? समझ में नहीं आता आखिर ये बात किससे कर रही है। बात तो टेडी बेयर से कर रही है लेकिन सिग्नल्स मुझे मिल रहे हैं। भगवान बचाए। अरे रुको रुको रुको, वहां कहां जा रहे हो? क्या हुआ? भूत यहां है, रेड लाइट यहां चलेगी। मुझे मत सिखा। अरे तुम्हें किसने साइंटिस्ट बनाया? थू। अरे ब्लू लाइट जल गई। दूसरी तरफ देखो। रेड लाइट भी। दोनों मिलकर डिस्को लाइट बन गई है। कब से तुम्हें यही तो समझा रहा हूं मैं। क्या? सामने देखो। आइए मैडम। क्या हुआ? अब जवाब दो, फट गई क्या? गीली हो गई। इसकी भी पैंट गीली हो गई। मुझे डर लग रहा है। डर लग रहा है? अरे ये इंस्ट्रूमेंट्स क्या ये जवाब देने के लिए इन्वेंट किए गए थे? चश्मा पहनते हो, टोपी पहनते हो, टोपी निकाल निकाल टोपी। साइंटिस्ट बता तू। जेमिनी टीवी। ये क्या, अंधेरा हो गया? ये कहां चला गया? जाने दो मुझे क्या करना है। अरे संध्या मैं भाग नहीं रहा था, वो दरअसल दीपक भाग रहा था तो मैं उसे समझा रहा था कि भाग मत, संध्या कुछ नहीं करेगी। अरे यार मैं दीपक ही हूँ। पीछे से डराने के बजाय दरवाजा नहीं खोल सकता था? मैं ट्राई करते करते थक गया यार, लेकिन संध्या की मर्जी के बगैर दरवाजा खुल ही नहीं सकता। डर मत, रिंगटोन है ये। हेलो। हेलो डार्लिंग। अच्छा तुम हो, बोलो। तुमने खाना खाया? डार्लिंग जब सिर पर टेंशन हो तो क्या खाना गले से उतर सकता है? क्या हुआ जी? क्या हो सकता है, अरुण बाहर है, वो घर में आ नहीं सकता और मैं घर में हूँ लेकिन बाहर जा नहीं सकता। सुनिए संध्या को अकेले मत छोड़िए, मौका मिलते ही उसे भी अपने साथ ले जाना। ओहो, मैं उससे भागना चाहता हूँ और तुम कहती हो कि उसे साथ लेकर चलूं। अब मैं समझ गया, तुम और संध्या एक जैसी हो। उसने मेरे दोस्त को फांस लिया और तुमने मुझे फांसा। तुम्हारे सामने भी रेड लाइट जलेगी क्या? रेड लाइट क्यों जी? रेड लाइट नहीं तो क्या जलेगी? मुझे लगता है तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे खानदान के सामने रेड लाइट जलेगी। बस यहाँ से निकलने दे। यहाँ से निकलने के बाद मैं वो डिब्बा लेकर तुम्हारे पूरे खानदान की रेड लाइट और ब्लू लाइट चेक करूंगा। क्या बोल रहे? अरे चुप। क्या हुआ भाई? अरे वाइफ का फोन है यार। वैसे तो परेशान करती है लेकिन कभी कभी अच्छे आइडियाज भी देती है। कैसा आइडिया? साइंटिस्ट हो ना, खुद ही पता लगाओ। मजाक मत कर यार, प्लीज बता देना भाई। ठीक है सुनो, तुमने रिंगटोन तो सुनी ना? हाँ। पाताल भैरवी मेरी फेवरेट फिल्म, मैं उसे 25 बार देख चुका हूँ और वो फिल्म मैंने अपने मोबाइल में सेव करके रखी है। मोबाइल में पाताल भैरवी कितने जीबी की है? ऐसे बेतु के सवाल पूछते हो इसलिए साइंटिस्ट बन गए हो। अब बिना सवाल पूछे मोबाइल देखोगे? बोलो बच्चे। ये सीन देखो। तुम्हारी प्रार्थना से प्रसन्न हुई। सब कुछ धुंधला दिख रहा है यार, फोन डैमेज्ड है। अरे मुझ में इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं तुझ पे अपना गुस्सा उतार सकूं। अपना चश्मा पहन लो प्लीज। अब देखो। देख लिया ना? मैं भी फर्श पे ऐसी ही डिजाइन बनाऊंगा और उसमें एक सेंटर बनाऊंगा, उस सेंटर में एक बोतल रखूंगा और मंत्र उच्चारण करूंगा, तब वो भूत किसी हिरनी की तरह उछलती हुई मेरे सामने आके बैठेगी। फिर मैं और एक मंत्र उच्चारण करूंगा जिससे वो उस बोतल में घुस जाएगी, फिर बोतल का ढक्कन बंद और उसे समंदर में फेंक देंगे। लेकिन हमारे शहर में तो समंदर है ही नहीं। हाँ यार, तो एक काम करेंगे, किसी नाले में फेंक देंगे, ठीक है ना? गुड आइडिया। पीले मेरे लाल, मेरे हरे, मेरे नीले, पीले। मैं और नहीं पी सकता यार। पी सकता ला, इधर ला। इसे खत्म करने की इतनी तकलीफ क्यों कर रहा है? भूत इसमें घुस जाएगी तो खुद ही पी लेगी, नहीं पिएगी तो स्विमिंग कर लेगी। सूर्या, मैंने इतनी पी है लेकिन बिल्कुल भी नहीं चढ़ी। भूत सामने हो ना तो चढ़ी हुई भी उतर जाती है। अरे रे रे रे, इसे मत फेंक, यही तो हमारा एग्जिट पास है। भूत के बोतल में घुसते ही ये ढक्कन लगा देना और फिर ऑल सेट। चलो डिजाइन बनाते हैं। एक्शन जीरो खेलना है। अबे बीच में हाथ मत डाल, मैं बना रहा हूँ ना। ठीक है ठीक है, ये पूरा हो गया और ये बोतल सेंटर में रख दी। अभी उसे बुलाता हूँ। बुला 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 जल्दी। बंगी ना की, तोड़ी ना की, बुक की करो ना की, आ जा। भाई वो आ गई, ये नॉर्मल तरीके से नहीं आई है।
मैंने जो बर्थडे ड्रेस लाया था वो पहन कर आई है। अच्छा सुन, जब ये बोतल में घुसेगी तुरंत ढक्कन बंद कर देना। फुल टू टाइट बंद कर दूंगा। इतनी ओवर एक्टिंग करेगा तो पकड़ा जाएगा। थूक गंगे ना की तोड़ी ना की बोकी करी ना की जा। अबे अबे छोड़ छोड़ छी। हो गया ना? हो गया। अबे उसके बोतल में घुसने के बाद बंद करना था, वो वापस चली गई। सब मेरी गलती है, मुझे क्लैरिटी रखनी चाहिए थी। इस बार क्लैरिटी रखूंगा। बोतल खोलना यार। रेडी। बंगी ना की तोड़ी ना की बुक्की करी ना की आजा। वापस आ गई भाई? आई नहीं, मैंने उसे बुलाया है। इस बार उसे बाटली में उतार कर ही दम लेना। क्या बात कही तुमने? बंगी ना की तोड़ी ना की बुक्की करी ना की क्लैरिटी। बोतल में घुस जा, घुस जा। घुसना कैसे? पूछ रही है कैसे, बताना भाई। सुना रे मैंने। पहले तो अंदर जा, फिर ये अंदर आएगी, फिर तू बाहर आ जाना, फिर मैं ढक्कन बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा, बंद कर दूंगा। तेरा ढक्कन ढीला हो गया क्या? तुम्हारे बाहर आते ही मैं ये बंद कर दूंगा यार। दिखाओ। कैसे दिखाऊं? बोतल का मुंह बहुत छोटा है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैं कैसे घुस जाऊं? हाँ ये भी सही है। बेवकूफ, ये सब क्या है? हर बार ये मुझे ही थप्पड़ मारती रहती है। अगर मार खा के मेरा मुंह सूज गया ना तो इसे मैं अपनी बीवी के हवाले कर दूंगा, वो बराबर इसे सबक सिखाएगी। घुसो। जरूरी है। मेरी तो उंगली भी नहीं जा रही है भाई। मंत्र उच्चारण से ये पॉसिबल है, इसे कहो ना कि मंत्र उच्चारण करे। अबे तू क्या परीक्षा में कॉपी करके पास हुआ था? तुझे साइंटिस्ट का जॉब दिया किसने? बड़े भैया के रिकमेंडेशन लगाई था। तुझे देखते ही मुझे पता चल गया था कि तू सिफारिश का टट्टू है। घुसो। मैडम घुस रहा हूँ ना। नाक से ट्राई करना। नाक से? ठीक है करता हूँ। सिफारिश का टट्टू। थोड़ा और जोर लगा। क्या? तो तू ही करके दिखाना। तो फिर ये ढक्कन कौन लगाएगा? लगता है सच में तेरा ढक्कन ढीला है। इसके टॉर्चर से ज्यादा तो तेरा टॉर्चर है। अब थूक। ये सब इस बोतल की वजह से हो रहा है ना, भाड़ में जाए ये बोतल। ये क्या किया भाई, बोतल ही तोड़ दी। अब ये ढक्कन का लगाऊंगा मैं। ढक्कन? इस ढक्कन को ना अपने मुंह पे लगा ले। अरे रात के 12 बज गए। 12 बजे के बाद बुरी आत्माएं और भी ताकतवर हो जाती हैं। एक बार हमारे हाथ पर टूट जाए ना तो भी चलेगा, टेरेस से कूदकर अपनी जान बचा लेंगे। संध्या, सूर्या, संध्या, 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 क्या हुआ? संध्या, संध्या, क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? संध्या, 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 प्लीज, संध्या, क्या हो रहा है? संध्या, 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 उठ जाओ, संध्या, संध्या, होश में आओ, संध्या, संध्या, fuck।
मैं इस घर से बाहर तो जा सकता हूँ लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता। पता नहीं ये सब कैसे हो रहा है लेकिन यहां से बाहर तो जाना ही है और हम दोनों साथ में जाएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। मुझे लग रहा था मैंने संध्या को खो दिया लेकिन उसे बचाने का एक रास्ता मिल ही गया। सोमनाथ बाबा अपने 10 वर्षों की हिमालय की तपस्या पूर्ण करके वापस आ गए हैं। भक्तों के लिए सुनहरा मौका है। दैत्य शक्तियों की कोई समस्या हो तो बाबा उपाय बताएंगे। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। किसी भी कीमत पर मैं तुम्हें बचाऊंगा। पिछले 6 दिनों से हमने इस घर में बहुत अजीब चीजों को होते हुए देखा है लेकिन आज जो कुछ भी हुआ उस पर तुम्हें कभी विश्वास नहीं होगा। यहां तक कि कोई और मुझे ये बात बताता तो मैं भी उस पर विश्वास नहीं करता क्योंकि आज मुझे सच्चाई का पता चल गया जिसकी वजह से हम ये दुख झेल रहे थे। आपको कौन सा पेपर चाहिए साहब? ये बाबा की फोटो वाला पेपर चाहिए, दिखाना। कौन से तारीख का है साहब? आज का ही है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा साहब। लेकिन बाबा सच में शहर में आए साहब। आज उनका प्रवचन होने वाला है उनके आश्रम में साहब। हेलो सर, नमस्ते, कहिए। नंबर नोट करो, AP15AU6499। मुझे इसका एड्रेस चाहिए। ओके सर, श्योर, मैं अभी भेज देता हूँ। कार का इंश्योरेंस अभी अभी करवाया है। एड्रेस भेज दिया सर, चेक कीजिए। अगर ये अकेला बाहर घूम रहा है तो वो जरूर घर में अकेली होगी। लास्ट टाइम हाथ से छूट गई थी, इस बार नहीं छूटेगी। आज किसी भी अखबार में आपका आर्टिकल नहीं है तो फिर मेरे घर आने वाले अखबार में कैसे? तुम कहां रहते हो? मियापुर। घर का नंबर? 13L। तुम्हारी पत्नी का नाम? संध्या। संध्या, संध्या को मैं जानता हूं। आप संध्या को जानते हैं? संध्या को क्या हुआ है बाबा? किसी अपनों के गुनाहों की सजा हमें चुकानी ही पड़ती है। संध्या के जीवन से एक कहानी जुड़ी हुई है। आज से तकरीबन 15 साल पहले तुम्हारी तरह एक आदमी मेरे पास आया था। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए। बाबा,
बाबा कल शाम तक तो वो एकदम ठीक थी, रात को एग्जीबिशन से लौट रहे थे तो अचानक बीमार पड़ गई। पिछले 10 घंटे में शहर के हर बड़े डॉक्टर ने उसका चेकअप किया है बाबा, लेकिन किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ना बाबा कैसी शांत हो गई है मेरी बेटी, किसी भी तरह मेरी बेटी को बचा लीजिए बाबा, इसके बिना मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। संध्या को क्या हुआ है बाबा, बताइए ना, आप कुछ बोलते क्यों नहीं? देखो सुरेंद्र, इस सृष्टि में ऐसे कई रहस्य छिपे हैं जिन्हें हम नहीं जानते। बच्चा जब पैदा होता है तो वो कहाँ, किसके घर पैदा होगा, ये ईश्वर की इच्छा है। हर कोई जानता है इस दुनिया में एक ही चेहरे के 7 लोग होते हैं, लेकिन हर कोई एक ही राशि एक ही नक्षत्र में पैदा नहीं होता। यहाँ तक कि जुड़वा बच्चे भी आधे मिनट के अंतर में पैदा होते हैं। अगर 2 एक जैसे दिखने वाले इंसान एक ही वक्त में पैदा होते हैं और उनकी राशि भी एक ही होती है तो उन्हें एक दूसरे के सामने नहीं आना चाहिए। संध्या की हम शक्ल संध्या के साथ पैदा हुई, उसने संध्या को 7 कदम की दूरी से देख लिया। उस लड़की ने देख लिया तो क्या हुआ? अगले 24 घंटों में किसी एक की मृत्यु अवश्य होगी। और वो एक जो मरने वाली है? तुम्हारी पुत्री संध्या। बाबा, संध्या के पैदा होते ही उसकी माँ चल बसी, तब से मैंने ही उसे माँ बाप बनकर पाला है। अगर संध्या ही नहीं रहेगी तो मैं किसके लिए जीऊंगा? आप तो हमेशा ही कहते रहते हैं कि हर समस्या का समाधान होता है, संध्या को बचा लीजिए बाबा। सारे पैसे मैंने संध्या के लिए कमाए हैं, वो नहीं रही तो इसका मैं क्या करूंगा? ये सब मैं आपके आश्रम को दान कर देता हूँ। बाबा कुछ कीजिए, संध्या को बचा लीजिए। संध्या को बचाने का केवल एक ही मार्ग है, मगर वो मार्ग बहुत ही कठिन है। संध्या को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, बोलिए बाबा। उन दोनों का आमना सामना हुए 24 घंटे हुए हैं। आज सूर्यास्त होने से पहले संध्या जैसी दिखने वाली लड़की मर जाए तो संध्या बच जाएगी। मैंने उनके बारे में पता लगाया, वो लोग टूरिस्ट थे, शहर में अभी अभी आए थे और जुबिली गेस्ट हाउस में ठहरे थे। क्या बात है बेटा? आओ ना माँ। बताओ ना, ये क्या है? इसे टच करो। माँ, थैंक यू डियर। कौन हो तुम? नित्या, हटो अंकल, हटो, ये खराब हो जाएगा, हटो अंकल।
नित्या, ए, छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो अंकल, मुझे छोड़ दो अंकल, छोड़ दो ना अंकल, प्लीज छोड़ दो ना। महत्वपूर्ण बात, तुम और संध्या ये शहर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। ठीक है बाबा। संध्या। दादी। सुरेंद्र ने अपनी बेटी को बचाने के लिए दूसरी लड़की की हत्या कर दी। अपनी सारी प्रॉपर्टी आश्रम को देकर वो शहर छोड़कर जा रहा था, तभी एक्सीडेंट में उसकी मृत्यु हो गई। संध्या अनाथ आश्रम में बड़ी हुई। उस वक्त आपने संध्या को बचा लिया था, फिर इस बार भी बचा लीजिए ना। मैंने नित्या की आत्मा को शहर के बाहर खुले मैदान में कैद कर रखा था, पर 15 साल बाद वो हिस्सा शहर में बदल गया है। नित्या की समाधि पर उन्होंने घर बना दिया। ये 13L वही घर है जहां तुम रहते हो। तुम संध्या को वहीं ले आए जहां नित्या की आत्मा को मैंने कैद किया है।
तो अब जो संध्या है वो शरीर संध्या का है पर आत्मा नित्या की। घर में प्रवेश करने के बाद क्या संध्या एक बार भी घर से बाहर निकली है? चलो मूड को अच्छा करते हैं, चलो रेडी हो जाओ। हे हे संध्या, तुम्हें तो ये घर छोड़ना था, अब नहीं छोड़ना? तुम ये घर छोड़ के नहीं जा सकते। मैं इस घर से बाहर तो जा सकता हूँ लेकिन तुम्हें साथ नहीं ले जा सकता, कभी नहीं। मैंने नित्या की आत्मा को चारों तरफ से कैद किया था, वो उस बंधन को तोड़कर बाहर नहीं आ सकती, लेकिन उस घर में मौजूद पंच महाभूत नित्या के वश में है, उसकी मदद के सिवा संध्या को बचाना संभव नहीं। बाबा कुछ कीजिए ना बाबा। ओम नमः शिवाय। अग्नि पंच महाभूतों का मूल आधार है, इस सृष्टि की सबसे पवित्र वस्तु, समस्त विश्व का नाश कर सके इतनी शक्ति है उसमें। हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने वाला देवदूत, साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप। अगर हम नित्या को अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो संध्या को छोड़ देगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं दिखाई देता जो अग्नि को नित्या के पास ले जाए। इस पृथ्वी पर कोई ऐसी शक्ति नहीं जो संध्या को बचा सके, अब तक तो संध्या मर चुकी होगी। नहीं बाबा, संध्या अभी भी जिंदा है। संध्या, तुमने मुझे इसलिए कैद नहीं किया ताकि तुम संध्या को बचा सको, बल्कि तुम धन के लालची हो गए थे इसलिए मुझे कैद किया, इस डर से कैद किया ताकि मैं तुम्हें मार न सकूं। 15 सालों से इंतजार कर रही हूँ ताकि मैं एक दिन तुम्हारा वध कर सकूं। मुझे पता चल चुका था कि तुम यहाँ आ चुके हो। जिस वक्त तुमने इस शहर में कदम रखा उसी वक्त मैंने संध्या के शरीर में प्रवेश कर लिया। जो अपराध तुमने किया है उसकी सजा सिर्फ मौत होगी। तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, तूने संध्या के शरीर में प्रवेश तो कर लिया लेकिन तू मेरा बंधन तोड़ नहीं सकती, तो तू मुझे मारेगी कैसे? जानती हूँ मैं तुम तक नहीं पहुँच सकती, इसलिए उसे तुम्हारे पास भेजा। जानते हो तुम्हें कौन मारने वाला है? संध्या का पति, वही है, वही तुम्हारी जान लेगा। ये तुम क्या कह रही हो? मैं बाबा को बिल्कुल नहीं मारने वाला। तुम मारोगे। मैं नहीं मारूंगा। नहीं। संध्या को बचाना है तो तुम्हें इसे मारना होगा। नहीं, नहीं, मेरी बात सुनो। संध्या की जान प्यारी है या नहीं? बाबा, अगर तुमने उसे नहीं मारा तो संध्या मरेगी। मैं नहीं मार सकता। मेरी बात सुनो। संध्या को कुछ मत करना प्लीज। संध्या को कुछ मत करना। अगर तुमने उसे अभी नहीं मारा तो संध्या अपनी जान गवा देगी। नो। संध्या को कुछ मत करना प्लीज। संध्या को मार डालूंगी। नहीं, रुको। मारो। नहीं, क्या प्लीज मारो। ओके। मारो, मार डालो उसे। Oh!
नीता, देखो अब बाबा मर चुके हैं, संध्या को छोड़ दो प्लीज। जिन्होंने मेरी जान ली उनमें से दो लोग अभी भी जिंदा हैं। तुम्हें उन दोनों को भी मारना होगा। प्लीज नित्या, प्लीज संध्या को जाने दो, प्लीज प्लीज नित्या। मारो प्लीज नित्या, मेरी संध्या को छोड़ दो प्लीज। मैं संध्या को मार डालूंगी। रुको रुको रुको, मैं मारता हूँ। मारो। ठीक है, वो कौन है बताओ। इन दोनों को मार डालो, जाओ मारो। उन दोनों के मरने के बाद मैं संध्या को छोड़ दूंगी। संध्या, तुम बहुत नसीब वाली हो। तुम्हारे पापा ने मेरी जान ली तुम्हारी जान बचाने के लिए। बाबा ने तुम्हारे पैसों के लिए मुझे बंदी बना दिया, और अब तुम्हारा पति तुम्हारी जान बचाने के लिए उनकी जान लेगा जिन्होंने मेरी जान ली। लेकिन उसे ये नहीं पता, उनके मरने के बाद मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। ये वो, यही है, मार डालो उसे। गए, अब तीसरा भी मरेगा। माँ, श्रुति है घर में? श्रुति नहीं है, आप आइए ना। क्या अरुण है? अरुण भी नहीं है, आप आइए ना। हर बार मुझे ना सुनने को मिलता है और ये अंदर बुला रही है। टाइम अच्छा है,
मैं बिल्कुल अकेली हूँ, आइए ना। एक मिनट, नाम क्या तुम्हारा? नित्या। मैं कई औरतों से मिलता रहता हूँ, मुझे किसी का नाम याद नहीं रहता। यहाँ क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मेरी माँ के साथ क्या किया? वो तो मरने के लिए गई है और उसका बचना इम्पॉसिबल है। मेरी बेटी के मरने के बाद मैं जीकर क्या करूंगी? मार डालो मुझे, मार डालो मुझे। ए, ए। ये क्या था भाई? चुड़ैल की चीख, रिकॉर्ड कर ले। चलो ना, भाग जाते हैं यहाँ से। लेकिन कैसे? पिछले आधे घंटे से ट्राई कर रहे हैं, कुछ हुआ क्या? एक हाथ से ही धक्का लगा रहे थे, दूसरे हाथ में मेहंदी लगाई है क्या? ढक्कन है ना। अबे ढक्कन, ढक्कन का क्या? तुमने ही तो पास रखने को कहा था। हाँ कहा था, लेकिन अब उसका क्या? जब बोतल ही नहीं रही तो ढक्कन का क्या मतलब है? फेंक उसे। पक्का ना? फेंकना। मुझे ढक्कन किसने मारा? बेवकूफ, बेअकल, बेशरम, कहीं और नहीं फेंक सकता था, उसके सर पे क्यों मारा? अब चल, बुलावा आया है, चल। सॉरी। आ रहे हैं मैडम। वो कहाँ गया? चला, कहाँ गया वो? मैं खा गई। खा गई? मैं रुकना। मैं खा गई। तुम जिन्हें मारना चाहती थी
वो तीनों मर गए हैं। अब तो मेरी संध्या को छोड़ दो प्लीज। अगर मैं जिंदा होती तो मैं भी संध्या की तरह खुशी से जिंदगी जीती। मेरी माँ मेरे साथ खुशी से जी रही होती, लेकिन सिर्फ तुम्हारी संध्या की वजह से ये नहीं हो सका, इसलिए मैं उसे भी मार डालूंगी। नित्या मेरी बात सुनो। संध्या को छोड़ दो, संध्या ने कुछ भी नहीं किया, संध्या ये सब जानती भी नहीं, उसकी इसमें क्या गलती है? तो क्या मेरी गलती थी? उसकी वजह से उन्होंने मुझे मार दिया, इसलिए अब मैं उसे मारूंगी, लेकिन तुम्हें छोड़ दूंगी। जाओ, मैं संध्या को लिए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, प्लीज प्लीज। उसकी मौत अपनी आंखों से देखो, वो तीन तो मर गए और अब संध्या की बारी। वो तीनों मरे नहीं है, उनमें से एक जिंदा है। नहीं, वो मर चुके हैं, मैंने देखा था। जिस एक को मैंने मारा था ना, उसे लेने के लिए एम्बुलेंस आई थी, मैंने देखा था, वो आईसीयू में है, वो बच गया होगा। तो जाओ उसे मार डालो, जाओ उसे मार डालो। मारूंगा, लेकिन तुम मेरी संध्या को छोड़ दो। मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, जाओ। अग्नि पंच महाभूतों का मूल आधार है, इस सृष्टि की सबसे पवित्र वस्तु, समस्त विश्व का नाश कर सके इतनी शक्ति है उसमें। हमारी प्रार्थना प्रभु तक पहुंचाने वाला देवदूत, साक्षात ईश्वर का दूसरा रूप। अगर हम नित्या को अग्नि में समर्पित करते हैं तो वो संध्या को छोड़ देगी, लेकिन मुझे ऐसा कोई शक्तिशाली पुरुष नहीं दिखाई देता जो अग्नि को नित्या के पास ले जाए। यज्ञ विद्य महाविद्य गुह्य विद्य च शोभने आत्म विद्य च देवि त्वं विमुक्ति फलदायिनी। अग्निमीले तुम अपने आप को आग में जला दोगे? मैं उसे मारूं या ना मारूं, तुम संध्या की जान लेकर ही रहोगी। संध्या को खोकर मैं जिंदा नहीं रह सकता, तो ठीक है, सब मर जाते हैं। मैं, संध्या, तुम्हारा उन लोगों को मारने का सपना, हम सबको एक साथ मार डालो तुम। नहीं, नहीं, मेरे पास मत आना, छोड़ो, नहीं, मैं तुम्हें मार डालूंगी, छोड़ो, मैं संध्या को नहीं छोड़ूंगी, नहीं। संध्या, 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 संध्या उठो, संध्या उठो, संध्या। संध्या, संध्या उठो, संध्या, संध्या, संध्या। अरुण, संध्या, आज तुम्हें बचाने के लिए मैंने जो कुछ भी किया है वो बात तुम्हारे लिए राज ही रहेगी, लेकिन भूतकाल के पिशाच की तरह तुम्हारा पीछा नहीं करेगी। इस बार तो तुम बच गए, लेकिन मैं तुम्हें जरूर मारूंगी। नमस्ते सर। नमस्ते मैडम। हाय सर, यही वो घर है, एकदम जबरदस्त। बस कर यार, तीन दिनों से यही डायलॉग मार रहा है। परेशान मत होइए सर, ये घर पिछले वाले की तरह बिल्कुल नहीं है, ये अलग है सर। पहले मैंने सीधे साधे घर दिखाए थे, लेकिन अब आपको ये घर दिखा रहा हूँ। ऐसे घर में रहने वाले का टेस्ट जबरदस्त होना चाहिए सर। डिजाइन इतना अच्छा है क्या? एकदम मस्त है सर। ये घर एक चाइनीज आदमी का है, बेचारा बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर बनवा रहा था, पूरा होने से पहले ही चला गया। क्या? मर गया?
शुभ शुभ बोलिए मैडम, वो चाइना चला गया। अच्छा आइए ना सर, दरवाजा इस तरफ है, आइए। बाहर से तो अच्छा लग रहा है, अंदर से भी अच्छा ही होगा। यार तुम नहीं आओगे क्या? मैंने देखा है, आप देख लीजिए। अरे तुम भी आओ ना। सर मैं तो कई बार देख चुका हूँ, घर एकदम सुपर है, एक बार अंदर जाओगे तो बाहर आओगे ही नहीं। मेरा मतलब? वो मतलब नहीं है सर, एक बार आप घर देख लेंगे तो सारा सामान लेकर आप यही शिफ्ट हो जाएंगे। ये नहीं आएगा, चलो हम ही देख लेते हैं। आप देख लीजिए सर, इसे बनाने वाला चाइना चला गया, इसमें रहने वाले पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। जानू जानू, अरे सोने दो ना। ए उठ, चंपो 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 चंपो, देख इसे, तुम्हें इसे मारना होगा वरना मैं इसे मार डालूंगी। Jump!